नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 TV न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, वायुसेना में परमानेंट स्कीम के तहत शामिल होंगी महिला फाइटर पायलट। रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं को सेना में समानता दिलाने को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट एक्सपेरिमेंटल स्कीम के तहत नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर शामिल होंगी। इससे पहले तक भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को प्रायोगिक योजना के तहत शामिल किया जाता था। अब इस एक्सपेरिमेंटल स्कीम को स्थायी योजना यानी परमानेंट योजना में बदलने का निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि यह भारत की नारी शक्ति की क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण पेश करता है। सेना में महिलाओं की तैनाती हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए बने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में महिलाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद से केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए ज्यादा सजग हो गया है। आइए आपको बताएं किस तरह महिलाओं ने एक पर एक उपलब्धि हासिल की और सेना में अपनी पोजीशन हासिल की। 2016 में IAF की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने की एक्सपेरिमेंट योजना लागू होने के बाद 16 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया। जुलाई 2016 में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में 3 सदस्यीय महिला टीम कमीशन की गई। अवनी चतुर्वेदी भी इस टीम का हिस्सा थी। साल 2018 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने अकेले लड़ाकू विमान MiG-21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। 2020 में नौसेना ने डॉर्नियर समुद्री विमान पर महिला पायलटों के अपने पहले बैच को तैनात करने की घोषणा की। विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य सहित लगभग 15 अग्रिम पंक्ति के युद्ध पोतों पर 28 महिला अधिकारियों की तैनाती हुई है। फिलहाल सेना ने महिलाओं को हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी है और वे स्थायी कमीशन की पात्र हैं। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।